तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कुर्ती का नेक डिज़ाइन। अगर आपको इस टाइप के डिज़ाइन बनाने नहीं आते तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से सीखने को मिलेगा। तो देखिए, मैंने कुर्ती कट की हुई है और ये है इसकी बैक और ये है फ्रंट पोर्शन। तो हमने डिपनेस सबसे पहले नापनी है इसकी। देखिए इस तरह से ये 5 इंच से हम इसकी गोलाई नापेंगे और डीप रखेंगे लगभग 7.5 इंच। तो यहाँ से हमने देखिए 1 इंच पे ये ड्रॉ किया और ये डब्बा सा बनाया और इसको हम गोल शेप में ले लेंगे। पहले इस पे गोल ड्रॉ करेंगे ताकि हमको सही से आइडिया लग सके। कुछ इस टाइप से यह डिज़ाइन बनेगा। तो ये हमने पेपर लेना है या गत्ता ले लेना है। इसका हमें एक पैटर्न तैयार करना है। सबसे पहले हमें पैटर्न ही तैयार करना होता है ताकि सही से गोलाई आ सके। तो इसके नीचे रख के हमने देखे व्हील मार्कर से इस पे निशान ड्रॉ करना है ताकि गोलाई सही से आ सके। तो देखिए इस पे निशान आ गए हैं और हमने इसको कट कर लेना है। तो यह कट हो चुका है, बहुत ही अच्छी शेप आ चुकी है इसकी गोल में, ये देखिए। हमने बैक पोर्शन में भी इस तरह से ही गोल कटिंग करनी है पेपर से और इसका भी हम पैटर्न बनाएंगे। सेम उतनी ही चौड़ाई रखेंगे हम इसकी भी। इसको भी हम कट कर लेंगे और इसका भी हमने पैटर्न तैयार कर लेना होता है। और ये पैटर्न आप बहुत सारी कुर्तियों में यूज कर सकते हैं। एक बार आप पैटर्न बना लेंगे तो काफ़ी सारी कुर्तियों में आप इसको यूज कर पाएंगे। तो ये देखिए दोनों ही पैटर्न हमारे रेडी हो चुके हैं। ये है बैक का और ये रहा फ्रंट का। अब हमने कपड़ा लेना है और उतना ही हमने कट कर लेना है जिसपे हम पेपर फिर चिपकाएंगे। तो ये पोर्शन मैंने कट कर लिया है, ये रही पेपर फ्यूज। ये बहुत अच्छी होती है, चिपक जाती है। तो इतना ही बड़ा पोर्शन मैंने इसका कट कर लिया है। तो ये है सीधी साइड और ये देखिए इधर ये है उल्टी साइड, ये सीधी साइड। तो इसको हमने देखिए इस तरफ से चिपकाना है, ग्लू इसमें नीचे रहना है। ये देखिए ग्लू यहाँ पे है और ये ऐसे हमने चिपका लेना होता है। तो ये हमारा चिपक चुका है। अब हमने इस पे निशान ड्रॉ करने हैं पेंसिल से। ये बैक पोर्शन का भी हमने निशान ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनको पलटने के लिए यह कपड़ा कट करना है जिससे हम इनको पलटेंगे। तो ये देखिए ये रेडी है और हमने दो पट्टियाँ कट कर दी हैं लगभग 1.25 इंच की, यानी 2.5 इंच की चौड़ी पट्टी कट करनी है। तो ये मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। एक और पट्टी निकालेंगे।
तो ये पट्टी तैयार कर लेनी है। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से यह बराबर पट्टी आएगी। दूसरी पट्टी को भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। देखिए देखिए इस तरह से। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इनकी पट्टियों की चौड़ाई बराबर रहे। दोनों पट्टी रेडी हैं और यहाँ पे कर लेंगे हम इंटरलॉक जो कच्ची साइड है। तो देखिए मैंने कच्ची साइड पे इंटरलॉक कर ली है, तो ये सब रेडी है। और यहाँ पे हम सिलाई से इसको पलटेंगे, तो मैं सिलाई लगा के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है और फालतू का मार्जिन हम कट कर लेंगे और इनको पलटेंगे। यानी हमने कपड़े से ही इनको पलटना होता है। ये कुटके लगा लेने हैं ताकि इसकी गोलाई सही से आ सके। अगर आप ये कुटके नहीं लगाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कट लगाने ज़रूरी होते हैं फ्रेंड्स। कभी भी आप गोलाई वाला कोई भी नेक अगर बनाते हैं तो यह कट लगाने ज़रूरी होते हैं, ये वाले कट। प्रेस भी हमारी गर्म हो चुकी है, हम इसको भी पलट लेते हैं। और इसको पूरा कपड़े को बाहर निकाल लेना होता है इस तरह से करके। प्रेस से इसको सेट कर लेना है। इसको भी पलट लेते हैं। तो ये प्रेस से बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल गोलाई इसकी अच्छे से आ चुकी है। तो जिस कपड़े से हमने इसको पलटा था उसको हमने कट कर लेना है ऐसे। और ये जो निशान है यहाँ से, इससे हम इसको पलटेंगे कुर्ती पे। इसको भी कट कर लिया है। अब इनका सेंटर बना लेना है। तो ये रहा सेंटर, इसका भी बना लेते हैं सेंटर। ये क्रीज बना लेनी होती है हमने। अब हमने इसको उल्टी तरफ से रखना है, देखिए बड़े वाले पोर्शन को जो फ्रंट पोर्शन है, और यहाँ पे हमने ये सिलाई लगानी है। और बैक पे भी हमने सिलाई लगानी है। बैक पे भी हम ऐसे ही पलटेंगे। तो इस सिलाई लगा के हम ऐसे इसको कट कर लेना है। ये कट ज़रूरी लगाने हैं। तो ये देखिए अंदर से बाहर को हम इसको पलटेंगे। और इस पे हमने प्रेस से इसको सेट कर लेना है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से यह बैठ चुका है। देखिए गोलाई अच्छे से आ चुकी है। बैक पोर्शन को भी हमने ऐसे ही सेट करना है प्रेस से। तो ये भी हमने सेट कर लिया है फ्रेंड्स। लगभग 12 इंच पे हमने कट लगाना है। देखिए यहाँ से क्रॉस डिपनेस का, और इसको हमने इसको कट कर लेना है।
देखिए इसको बीचों बीच कट लगाना है, दोनों ही पट्टी लगानी है। सबसे पहले हमने इन पट्टियों के बंद कर लेना होता है ऐसे ऊपर से, इनको स्टिच करके हमने इनको पलटना है आमने सामने। तो देखिए इस तरह से हमने लगभग 2 सूत का मार्जिन लेते हुए पट्टी को लगाना है, यानी इनको स्टिच करना है यहाँ से। तो यह है कुर्ती का डिज़ाइन, बहुत ही अच्छा बन जाएगा। ध्यान रहे मार्जिन बिल्कुल बराबर हो। दूसरी तरफ भी हम लगा लेंगे, देखिए ऐसे ही। इस मार्जिन को नीचे करके हमने इसको बिल्कुल ठीक ऊपर से स्टिच करना है यहाँ पे, और इसको यहाँ से फोल्ड करके नीचे दबा देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने सेट कर दिया है, बिल्कुल लॉक हो चुका है यह है। तो ये हमारा नेक लगभग रेडी हो चुका है, ये देखिए। इस पे चाहे तो आप काज बटन कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी अच्छे से यह तैयार है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही बनाया जाता है यह नेक। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।